दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो नोटिफिकेशन में बात करेंगे किस विभाग में जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या पे स्केल है और रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो जितनी भी हैं वो आपको जल्दी जल्दी इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जॉब जो है वो आपके नवोदय केंद्रीय विद्यालय में है। तो इसमें आपके पीजीटी प्रिंसिपल कंप्यूटर असिस्टेंट मतलब वेरियस पोस्ट पर आपकी इसमें भर्ती होनी है। तो हम जानेंगे एक एक करके कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी और क्या किस किस पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है। दोस्तों सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी प्रिंसिपल की ग्रुप ए की, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके लिए जनरल के लिए 12 पद, ओबीसी के लिए 7 पद, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2 पद हैं। टोटल इसमें 25 पद हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की जो भर्ती होनी है उसमें ग्रुप ए, ये भी ग्रुप ए के अंतर्गत है और इसमें जो भर्ती होनी है जनरल के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 1 पद और एससी के लिए 1 पद, टोटल इसमें 3 पद हैं। इसके बाद असिस्टेंट की भर्ती होनी है ग्रुप सी में, तो इसमें आपके लिए जनरल के लिए 2 पद, तो केवल 2 ही पद हैं इसमें आपके जनरल के लिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी ग्रुप सी में, तो आपके लिए जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और इसमें टोटल आपके 3 ही पद हैं। अब बात करें पीजीटी टीचर की भर्ती के बारे में, तो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टीचर्स की भर्ती होनी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में आपके अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी में आपके टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 16 पोस्ट हैं, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, आपकी जनरल में, ओबीसी में, एससी में और एसटी में, एससी में आपकी केमिस्ट्री में भी और कॉमर्स में भी, इकोनॉमिक्स में, मतलब हर सब्जेक्ट में आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। पहली जो पोस्ट है फॉर प्रिंसिपल पोस्ट कोड 1, ठीक है। तो इसमें जो पे स्केल है, पहले पे स्केल जो है आपका वो है आपका 78,800 से लेके 292,000 तक है, ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 50 ईयर्स से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मास्टर डिग्री की ज़रूरत है इसमें। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है मिनिमम 50%, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ मैं बता दूं आपको, इसमें आपको बीएड भी इसमें होगा, मतलब टीचिंग सब्जेक्ट है ये आपका, तो बीएड इसमें आपको ज़रूरी है। तो मास्टर डिग्री के साथ बीएड और इसके साथ एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस के लिए आपके बहुत से दे रखे हैं, आपके पॉइंट 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और एटलीस्ट इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना आपको ज़रूरी है आपके डिग्री के संबंधित, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट कमिश्नर की, ठीक है। तो इसमें जो पे स्केल है वो आपका 67,700 लेकर 287,000 तक है। इसकी एज लिमिट जो है वो 45 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट रेगुलर बेसिस यहाँ पर ये होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें एक्सपीरियंस भी आपको मांगा है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है आपकी तीसरी पोस्ट असिस्टेंट की, तो इसमें जो पे स्केल है वो है आपका 35,400 से लेके 112,400 तक, ठीक है। इसकी ये लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होना जरूरी है, ठीक है। इसमें आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी डिग्री, ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप एक्सपीरियंस अगर आपने है आपके पास तो आप इसमें फॉर्म आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होनी है उसमें, तो इसमें पे स्केल जो है वो 25,500 से लेके 81,100 तक है, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर से संबंधित 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जो पांचवी भर्ती होनी है वो आपकी होनी है मतलब पीजीटी टीचर्स की, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह, तो इसमें हम बता दें आपकी पे स्केल कितना है आपका 37,600 से लेके 151,000 तक, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो आपकी 40 साल से नीचे होनी चाहिए,
ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, मतलब आपके पास MSc या MA वगैरह होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें आपके 50% मार्क होना जरूरी है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग देखते हैं, हिंदी है आपके PGT हिंदी है तो आप हिंदी से संबंधित मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स तो फिजिक्स से संबंधित आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करें हम इसकी और, तो इसमें बीएड होना भी जरूरी है इसके साथ, ठीक है। तो बीएड आपने कर रखा है मास्टर डिग्री के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस भी जरूरी है इसमें, ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। अगर हम एज की छूट की बात करें तो अगर आप SC या ST में आते हैं तो आपके साथ 5 साल की छूट है, अगर आप BC में आते हैं 3 साल की छूट है, अगर आप वूमेन हैं तो उसके लिए आपकी 10 साल की छूट है। दोस्तों इसमें जो आपका एक रिटन एग्जाम होगा उसके अंतर्गत आपकी ये पोस्ट आपकी फिल की जाएंगी। तो दोस्तों रिटन एग्जाम के लिए आपके सेंटर है, सेंटर में बता दूं आपके कुल मिला के 42 सिटीज हैं जहां पर आपके सेंटर्स होंगे इसके। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद, अमृतसर, अजमेर, तो दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, तो बहुत से सेंटर्स से आपको जहां उचित लगे वहां पर अपना सेंटर आप डाल सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करें इसके अलग अलग, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से एग्जाम होगा, तो मैं आपके लिए हर पोस्ट के लिए अलग एग्जाम के बारे में बता दूं। तो पहले जो पोस्ट है आपकी जो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें आपके लिए पार्ट वन में आपकी रीजनिंग, इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 ही मार्क का होगा, ठीक है, ये 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, ठीक है। और इसमें बता दूं आपके लिए जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है, आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी, फिर तो आपके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके संबंधित साइकोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो 50 क्वेश्चन और 50 मार्क। दोस्तों इसमें टोटल जो आपकी 180 क्वेश्चन होगा और 180 मार्क का ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड पोस्ट है तो उसके लिए बता दूं आपके लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए जो टेस्ट होगा, जो आपका पार्ट वन में रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, पार्ट सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस, थर्ड में लैंग्वेज, ठीक है, फोर्थ में आपके क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट फाइव में GFR, FR, SR मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें भी आपके 180 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का भी ये टेस्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली पोस्ट की, तो उसमें किस तरीके से आएगा, तो ये है आपकी असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, ठीक है, जनरल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब कंप्यूटर संबंधित नॉलेज होनी चाहिए। टोटल इसमें आएंगे 130 क्वेश्चन और 130 नंबर का ये होगा। नेक्स्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होनी है उसके लिए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपकी रीजनिंग एबिलिटी पूछेगी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये चीज़ आपकी इसमें होना जरूरी है। तो इसमें 130 क्वेश्चन में से 130 नंबर का आएगा, ठीक है, तो आपकी ये 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर में है। तो उसके बाद जो PGT के लिए जो कोर्स है वो आपका जनरल पेपर आएगा सबसे पहले, ठीक है, जो आप सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट सब्जेक्ट से आपने PGT कर रखी है, मतलब PGT के लिए आप देखेंगे MSc कर रखी है उससे संबंधित आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी बहुत से सारे भी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, टेक एप्टीट्यूड, तो उसमें बहुत से आप डिटेल में से पढ़ सकते हैं। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें 180 नंबर का एग्ज़ाम होगा 3 घंटे के लिए। हाँ दोस्तों बता दूं आप ये रजिस्ट्रेशन जो है इसके वो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और क्लोज जो होंगे वो 14 फरवरी 2019 को क्लोज होंगे। आप फीस डिपॉजिट जो वो 15 जनवरी तक डिपॉजिट होगी, ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है वो आपके 10 मार्च से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के बारे में, तो आपको बता दूं कि जो आपकी प्रिंसिपल के लिए पोस्ट के लिए जो फीस है वो आपकी 1500 रुपये है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए फीस है वो आपकी 1500 रुपये है, ठीक है, और PGT टीचरों के लिए 1000 भर्ती 1000 रुपये है, ठीक है, और असिस्टेंट के लिए जो 800 रुपये और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 800 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो आपको अलग अलग डिवाइड किया गया, प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 रुपये, PGT टीचर उनके लिए 1000 रुपये और असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 800 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। तो दोस्तों फीस ज़्यादा है, अगर आप लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म डालें और अपने लक को दोस्तों। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली आप वहां से डाउनलोड करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।